हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मोटो व्लॉग। ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है। तो आज हम जा रहे हैं कॉलेज में। हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो जा रहे कॉलेज में। हम पहले अपने फ्रेंड को पिक करेंगे, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है राजा, उसे पिक करेंगे। ये आ गया उसका घर। वो लगता तो है बहुत देर से मेरे लिए खड़ा है, और वो बहुत देर से ही कॉल कर रहा है मुझे कि भाई तू कहाँ पे है। और मैं तो अपनी तरह मतलब बाइक निकाला घर से और थोड़ा लेट हो गया है इसलिए। तो अभी हम निकल रहे हैं राइड के लिए, तो इन्जॉय द राइड। तो गाइस, देख सकते हो इसे हमारे गांव में कहते हैं बहुत सारा लोड ले जाने की निंजा टेक्निक। और ये जो निंजा टेक्निक है वो सिर्फ गांव के बंदे ही कर सकते हैं, क्योंकि इनमें टैलेंट ही बहुत ही अलग होता है। और अगर शहर के बंदा करना चाहे तो वो सिर्फ़ एक नशेड़ी ही कर सकता है, और इसके अलावा कोई नहीं। गाइस, यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई यार गाने के बिना मज़ा कहाँ है, यहाँ पे राइड का मज़ा तो गाने के साथ ही है। तो उसने अभी गाना चलाया है एक। और हाँ सुनो, अगर कभी भी तुम्हें लगे तुम्हारा मूड ख़राब हो रहा है और तुम्हारे पास अगर बाइक है तो अपने दोस्त को लो, घर से उठा लो उसे, और उठा के बोलो भाई तू पीछे बैठ जा, और फ़ोन पकड़ के बस गाना चला दे तू, और तुम फुल चिल मूड में एकदम ड्राइव करो। और हाँ, सेफ ड्राइव, मतलब वो छपरियों जैसी हरकत मत करना, ठीक है? बिल्कुल सेफली ड्राइव करो। देखो मतलब इससे ज़्यादा सुकून दुनिया में और कहीं नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं हर वक्त ड्राइविंग के टाइम पे यही करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स को मतलब उन्होंने मुझे बोल रखा है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, गाने के बिना राइड नहीं होगा, राइड का मज़ा गाने के साथ ही ज़्यादा आता है। और फ्रेंड्स, तुमने शायद एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मेरे फ़ोन पे कॉल आए जा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ ड्राइव कर रहा हूँ। बट हाँ, तेज़ी तो है, स्पीड है, लेकिन सेफ्टी भी है, ठीक है? तो ड्राइव करो लेकिन सेफ्टी के साथ। और जो मेरा फ्रेंड है, मतलब जो कॉल कर रहा है मुझे, वो हाँ वो तुम लोग सही समझ रहे हो, एक लड़की है। तो वो सिर्फ मेरा ही फ्रेंड नहीं है, राजा का भी फ्रेंड है, और राजा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइस, मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहा है। वो मुझे बोल रही है कि तू अभी तक कहाँ पे है, तू मतलब मैंने तो तुझे कॉल किया था, एक घंटा हो चुका है, तू अभी भी नहीं आया, तेरे पास बाइक है, तू लड़का है, तुझे इतना क्यों लेट हो रहा है। अरे मैंने बोला मतलब मेरा तो असल में जो कारण था लेट होने का, वो मेरा जो हेडफोन का स्प्लिटर है, जो मेरा माइक का स्प्लिटर है, वो पता नहीं कहाँ पे खो गया था, मिल ही नहीं रहा था, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। बट फाइनली मुझे मिल गया, और मैं निकल आया हूँ अभी राइड के लिए। तो अभी थोड़ा तेज़ जा रहे हैं हम, बट उसके साथ सेफ्टी भी हम मेंटेन कर रहे हैं। और हाँ, राजा के पास उसने अभी कॉल किया है कि तू जल्दी आ जा, वरना मैं तो जा रही हूँ अकेले। तो हम थोड़ा तेज़ जा रहे हैं यहाँ पे। और हाँ फ्रेंड्स, तुम लोग कैमरा एंगल मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम ब्लॉग है। तो तुम लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ कि मेरा जो एंगल है कैमरा का, क्या मुझे थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए या फिर डाउनग्रेड करना चाहिए। ये सामने जो ट्रक है ये बहुत देर से मतलब हमें साइड ही नहीं दे रहा। रुको, अभी साइड लेना पड़ेगा इससे। और इस रोड का नाम है टाकी रोड, जो बेड़ाचापा की तरफ गया है, और मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वो बेड़ाचापा में ही है। तो हम लोग जा रहे, थोड़ा तेज़ जाना पड़ता है हमें, क्योंकि जब फ्रेंड कॉल करते हैं ना तब ऐसे ही तेज़ भागना पड़ता है। हाँ ये बात तो है, वो गर्लफ्रेंड नहीं है पर
फिर भी फ्रेंड है, फ्रेंड के भी वैल्यूज़ होते हैं ना, तो हमें अभी जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। एक और मज़े की बात बताओ, हमारे जो प्रिंसिपल है, मतलब क्या ही उनके नखरे। हम पहले भी एक दिन आए थे सिग्नेचर करवाने के लिए, तो हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि भैया मेरे हाथ में तो दर्द है, मैं अभी नहीं करने वाला। और दूसरे दिन आए तो बोलने लगे मेरे पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, मैं अभी साइन नहीं कर सकता, तो इसलिए मतलब उन्होंने साइन नहीं किया। पर आज जा रहे, देखते हैं, अगर साइन कर दे तो बहुत ही बढ़िया है, और साइन अगर ना कर दे तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी ना प्रिंसिपल को मार सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रिंसिपल है हमारे कॉलेज के। और फ्रेंड्स, ये रोड बहुत ही अच्छा है, मतलब पहले जो रैश रोड में चला रहा था मैं, मतलब इतना बेकार था क्या बताऊँ, और इस रोड को देखो तुम लोग, मतलब इतना अच्छा है कि मतलब यहाँ पे बाइक जितना ज़्यादा चाहो तुम खींच सकते हो, उसका टॉप स्पीड निकाल सकते हो इस रोड पे। और जैम थोड़ा ही रहता है, कभी कभी जैम नहीं रहता, अभी जैसे देख सकते हो थोड़ा जैम है, बट शाम के टाइम पे ज़्यादा जैम हो जाता है रोड पे, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलने लगती है यहाँ पे। और हाँ, तुमको मैं एक और बात बता दूँ, जो कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है हाईवेज़ पे वीडियो बनाना, व्लॉगिंग करना हाईवेज़ पे, पर मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं ज़्यादातर हाईवेज़ पे ही राइड कर सकूँ, और वीडियो और ब्लॉग्स को मैं अपलोड कर सकूँ। पता है रोड में सबसे घटिया चीज़ क्या होती है? ये ट्रक ड्राइवर्स, मतलब ये कहीं भी कैसे भी घुसा देंगे, और मतलब तुम्हें साइड भी नहीं देंगे। अभी तो मैंने साइड कर लिया है, पर तुम कभी कभी देखोगे कि ये लोग मतलब साइड देते ही नहीं है, तुम हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हो और ये लोग साइड नहीं देंगे। और गाइस, अभी हम पहुंचने ही वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब मिशन कंप्लीट होने वाला है। तो जो भी है, यहाँ से हम टर्न करेंगे और चलेंगे, यहाँ से थोड़ी ही दूर है जो हमारा कॉलेज है, मतलब 1 मिनट पैदल चल के, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। और ये देखो, स्पीड ब्रेकर है क्या या फिर और कुछ, मतलब हड्डी ब्रेक हो जाएगा, बोन ब्रेकर है ये, स्पीड ब्रेकर नहीं है ये। तो फाइनली गाइस, हम लोग कॉलेज के यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो सामने ही है कॉलेज। और ये रही पापा की परी, जो हॉर्न देने पे भी नहीं हटते रास्ते से, चलो इनको हटाना तो पड़ रहा है ना। और ये है हमारा कॉलेज का मेन एंट्रेंस, और देख सकते हो बाइक्स पे बाइक, मतलब इतना ज़्यादा आज भीड़ है क्या बताओ। बाइक रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, पार्क कर लेते हैं बाइक को और फिर आपको दिखाते हैं हमारा कॉलेज। आय हाय, ये रहा मेरा बेस्ट फ्रेंड, और देख सकते हो पापा की परी अपनी स्कूटी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा कॉलेज है, जो कॉलेज का नेम है वो CSSM कॉलेज है। इसका पूरा नाम है चंद्रकेतु गौड़ शहीदुल्ला स्मृति महाविद्यालय। और तुम लोग देख ही सकते हो पापा की परी निकल रही है घर के लिए। आज कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, और तुम लोगों के रिएक्शन देख सकते हो। मुझे लगता है कि मैं ही वो पहला पर्सन हूँ जो कॉलेज में व्लॉगिंग कर रहा है, और तुम लोग देख ही सकते हो, मतलब कॉलेज में भीड़ ही भीड़ लगा हुआ है, मतलब लड़कियों की लाइन लग चुकी है पापा की परी। गाइस, यहाँ का काम हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है, और सॉरी इसलिए कि मैं जल्दी में था, मतलब सिग्नेचर दे रहे थे यहाँ पे आके, देखा मैंने प्रिंसिपल जो है सिग्नेचर करवा रहे थे, तो इसीलिए मैं जल्दी में थोड़ा मतलब अपना कैमरा ऑन करना ही भूल गया और व्लॉगिंग नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी गाइस। अगर आप चाहो तो मैं अलग से एक व्लॉगिंग कर सकता हूँ, आप लोग इसके लिए मुझे कमेंट में बता सकते हो। गाइस, यहाँ पे हमारे साथ एक गलत सीन हो गया है, अभी हम घर जाने वाले थे लेकिन अभी घर नहीं जा पाएंगे, अभी हमें जाना होगा पंचायत, वहाँ से भी हमें एक सर्टिफिकेट लेना होगा।
तो अभी के लिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग भी वही होगा, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि हम पंचायत में गए और क्या क्या हुआ हमारे साथ। तो गाइस, हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट भी कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें ताकि फ्यूचर में भी इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस अपलोड कर सके, मोटो व्लॉग अपलोड कर सके। तो अभी के लिए बाय बाय।